Aquaris. 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 एक बार सब दुरूद शरीफ सरकार आलम पना वारिस पाक का एहसान और हम सब के ऊपर सरकार का करम है कि सरकार आलम पना वारिस पाक अपने आशिकों को अपने गुलामों को हजरत खूबचा वली बाबा के दरबार में जमा कर यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वैसे तो हर जुमेरात हमें यहाँ जमती जुड़ती और कुछ सरकार वारिस पाक की शान में उनकी आशिकों की शान में अल्लाह और रसूल की और पंजतन पाक की शान में कुछ बोलते और सुनते रहते। अभी पिछले महीने में पिछला महीना रमजानुल मुबारक का बड़ा रहमतों वाला बड़ा बरकतों वाला महीना हमारे सबके ऊपर गुजरा। इस साल में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ये महीने को नाजिल फरमाए, इसका असल मकसद क्या है कि सरकार अल्लाह ताला ये रमज़ान और मुबारक का महीना हमारे ऊपर क्यों ले लगो है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी रहमतें क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानी। बस ये एक महीना आया और चलेगा। हमारी जिंदगियों में कुछ भी बदल नहीं होगा। हमें जैसे साल भर थे वैसा रमजान भी गुजारता है। इसके अंदर हमारी कोई तब्दीली नहीं है। ये क्या वास्ते तब्दीली नहीं है, क्योंकि हमें ये महीने की अजमत को नहीं पहचानना। अगर पहचान लेते, इसे जान लेते तो ये महीना हमारे ऊपर ऐसे नहीं जाता था, बल्कि ये महीना हमारे जिंदगियों को बदला को चले जाता है। आशिकाई जत्ती इबादत करे, जत्ती फदर और जत्ती अजमत करे, जत्ता अदब करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इबादतों को और आदत को कबूल फरमाए।
इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह रमजान की बरकतों को उसकी असमतों को भी उस वक्त में बयान करेंगे, क्योंकि अभी हाथ से निकला हुआ महीना है। अब हमें चाह को भी दो महीने को वापस नहीं ला सकते, सिर्फ अफसोस और अफसोस रह जाता हमारे अंदर। खैर, जो कुछ भी हमारे से भूल चुक हुई खुदा उसे माफ कर। तो हजरत खूब शाह अली बाबा के दरबार में सरकार आलम बना वारिस पाक अपने आशिकों को हमना सबको भी यहाँ जमा को सरकार चाह रही कि मेरे आशिका की जिंदगी में उनकी जिंदगियों में इश्कियत और मोहब्बत पैदा हो जाए। सरकार वारिस पाक का कौन है? सरकार वारिस पाक का कौन है कि सरकार वारिस पाक फरमाती मेरे मसलक में मोहब्बत ही मोहब्बत। या वारिस हमारे यहाँ कोई मजहब की कैद नहीं है, कोई मजहब की कैद नहीं है। जो जिस मजहब में रहे वो उसी मजहब में रहे, मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। जो मेरे से मोहब्बत कर ले वो कामयाब है। अब सरकार आलम पना वारिस पाक की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा होना तो उनके नक्शो कदम, उनकी अजमत, उनकी बड़ाई, उनकी शख्सियत, उनकी कुदरत, उनकी करामत, उनके मौजूदात को हमें बार बार बोलते रहना और सुनते रहना। हमें जब तक बोलते और सुनते रहते हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। अगर बोलना और सुनना छोड़ डाले तो हमारे दिलों के अंदर से वो मोहब्बत निकल जाए। सरकार आलम बना वाले के पाक आले पंजतन के, सरकार आलम बना वारी से पाक आले पंजतन के घराने के इमाम हुसैन रजी अल्लाह अनु की 26वीं पुश्त में सरकार वारी से पाक पैदा या वारिस। अब ये पंजतन की शान क्या है, ये पंजतन की शान क्या है, इसकी असमत क्या है, इसके बारे में हमें सब जानना, बोलना और सुनना, तब कहीं जाकर हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा। इमाम हुसैन दोनों छोटी उम्र के, कम सी उम्र के थे, खेल रहे थे और उनके साथ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे भी खेलते थे उनके साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह इमाम हसन और हुसैन के साथ खेलते थे। बात बात में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बोले, जाओ जाओ, तुम्हें हमारे गुलामों की औलाद, जाओ जाओ, तुम हमारी गुलामों की औलाद। अब जैसे ही बाप के बारे में गुलामों का लफ्ज सुने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु दिल मायूस हो, बच्चे थे, बाप के खिलाफ सुनना बच्चा को अच्छा नहीं दिखता, मायूस हो गए और खेल कूद छोड़ दर बजा को घर में खामोश बैठ गए, किसी भी बात नहीं करी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बाहर से तशरीफ लाए, वहां को कुछ देंगे तो उनके साहेबजादे उनके बेटे बड़े उदास गुमसुम बैठे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पूछे कि बेटे तुझे क्या होगा, तू इतना खामोश और उदास की बैठ गए? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, मैं इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ खेलता था, बात बात में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु क्या बोले, जाओ जाओ, तुम हमारी गुलामों की औलाद। तो दिल को बड़ा
بیزار ہوا اس وجہ سے آپ ہمیں خاموش بھیج. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بیٹے کو بیٹے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بولے ہماری غلاموں کی اولادوں میں سے ہی لے کر یہ کام کرو, ایک سلیٹ اور ایک پنسل لے لے کو جاؤ اور ان کے ہاتھ سے لکھا لے کو آ جاؤ کہ ہمیں غلاموں کی اولاد ہی ہے, لکھا لے کو آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سلیٹ اور پنسل لے لے کو گئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ تمہیں جو بولے ہمارے غلاموں کی اولاد ہی کر کو وہ ذرا لکھو دے دو. امام حسین رضی اللہ عنہ لکھو دے دیتے کہ تمہیں ہمارے غلاموں کی اولاد ہی. اب لکھالے کو جیسے ہی بیٹے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. چار خلفۂ راشدین میں سے یہ خلفۂ راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی رائے مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے مشورہ کرتے. جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی وہ خدا کا فیصلہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رائے دیتے تھے اس پر خدا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اسلام عام نہیں ہوا تھا, سب گھروں میں چھپ چھپ کر ایمان کی باتیں کرتے تھے, گھروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو کعبے کی مسجد میں نماز پڑھنا عام ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کو نکلے اور گلیوں میں مکے کی گلیوں میں اعلان کرنے کو پھر رہی کوئی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے سامنے آ جائے, میں تو کعبے میں نماز پڑھ کر رہا ہوں. میں کعبے میں نماز پڑھ کر رہوں گا. ان کی دلیری اور ہمت کو دیکھ کر کہ کوئی مکے والے ان کے سامنے نہیں آئے. جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو مکے کے اندر نماز پڑھنا شروع ہو گئی. جو عمر رضی اللہ عنہ بولتے وہ خدا کا فیصلہ ہوتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں زلزلہ آیا یعنی کہ زمین ہٹی. عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ زلزلے جو زمین ہل رہی ہے اس حالت میں زمین کے اوپر زور سے پیر مار کر کیا بول رہی, اے زمین کیوں ہلتی ہے, رک جا, تیرے اوپر حکومت کرنے والا ابھی زندہ ہے. یا وارث حق وارث یا وارث حق وارث یا وارث حق وارث. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کو حکم دیا تو اس جو زور سے پاؤں مار کو زور سے پنجہ مار کو جو زمین کو حکم دیے کہ تیرے اوپر حکومت کرنے والا ابھی زندہ ہے, ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اس وقت میں پاؤں مارے تھے آج تلک مدینے میں زندہ رہا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ہے کہ مدینے میں جنگل سے ایک شیر آ, لوگ سب گھر کو جا کر گھروں میں چھپ گئے. اب شیر آیا تو کیا حالت ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سینہ تان کو شیر کے سامنے جا کر کھڑے, کان پکڑ کو شیر کو یہ تھپڑا مار کو کیا بول رہی, جب تلک ہمیں ہی یہاں تب تلک تو آنے کی ضرورت, یہاں ہماری حکومت چل رہی ہے,
तो जंगल में हुकूमत चला यहाँ हमारी हुकूमत चल रही, तेरी हुकूमत कहाँ चलती है तो वहां चले जाकर तो फिर तो ऐसे बहादुर जिनकी हुकूमत जमीन को चल रही है, जिनकी हुकूमत जानवरों को चल रही है, जिनका ऐसे कुल्फाए राशिदी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या बन रही अपने बेटे को हमें गुलामों की औलाद देकर के लिखा दे वो आज जब तख्ती ले ले को है लिखा देगा को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दिए तो ऐसी शख्सियत हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो जो लिखो थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तुम गुलामों की औलाद हो वो सर पर उठाकर पूरे मदीने में कष्ट करने लगे, पूरे मदीने में कष्ट करने को फिर रही और ये ऐलान कर रही कि खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आज हमारी गुलामी को कबूल कर या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस ये पंजतन के आल की शान है। दुनिया में कोई कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो वो पंजतन के गुलाम है, वो पंजतन के गुलाम है, ऐसी आल के सरकार वारिस खान ये पंजतन आल के हमारे पीर सरकार वारिस पाक जो सरकार वारिस पाक के दामन में आ गया बस उसने नूह कश्ती में सवार